100 लोग की कैपेसिटी है। अक्टूबर 2023 पे ही वेलकम टू दिस शीश महल, राजा वाली फीलिंग आएगी। हर तरह के इवेंट बुकिंग करते हैं, सर्विस और क्लीनिंग सबसे बड़ा है, 5000 स्क्वायर फीट का है। लोन एरिया है वो 30000 स्क्वायर फीट का। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। फिलहाल हम लोग चंपारण के एक शानदार रिजॉर्ट पे हैं जिसका नाम है पाम बेरी रिजॉर्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पाम बेरी रिजॉर्ट की खासियत है फ्रेंड्स, बिल्कुल लेटेस्ट ये ओपन हुआ है और पार्टी फंक्शंस वगैरह के लिए इसको भी बुक कर सकते हैं। इनका भी जो मैरिज हॉल है वो बहुत ही जबरदस्त है, 250 लोग की कैपेसिटी है। आप चलते हैं, हम चल के आपको सब दिखाएंगे। अंदर में इनका अपना किचन, कॉन्फ्रेंस रूम और जो केटरिंग का एरिया है वो भी बहुत शानदार है। अच्छा, आइए इसको चल के एक्सप्लोर करते हैं। अक्टूबर 2023 पे ही इसका इनॉग्रेशन हुआ था। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आइए चलते हैं इसको एक्सप्लोर करते हैं, आइए आपको बता देंगे। देखिए ये विवाह, छेका, तिलक वगैरह सारी चीज के लिए आप इसको बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप मेरे पीछे इस शानदार सा लॉन, जो अपने हिसाब से आप डेकोरेट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। शाम में जब लाइटिंग वगैरह जलती है तो इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाता है। सही पकड़े हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको सेल्फी वेल्फी का आपका शौक है तो आप सेल्फी वगैरह भी ले सकते हैं। अभी तो यहाँ पे लाइट नहीं है, लेकिन रात उत के वक्त में जो है आप सेल्फी पॉइंट वगैरह भी यहाँ पे बहुत सारा है और बहुत ही कम, बहुत ही जेन्युइन प्राइस में आप पूरे पाम रिजॉर्ट को वन डे के लिए बुक कर सकते हैं। सिर्फ 2,51,000 में आप पूरे रिजॉर्ट को बुक कर सकते हैं। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। ये देखिए मेरे पीछे लॉन, आप देखिए, और वहाँ पे है किचन एरिया जहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त भी कोई चाहे बुकिंग वगैरह का जो है खाना वगैरह पक रहा है। अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। लेटेस्ट ओपन हुआ है, आइए हम लोग अंदर चलते हैं। दीवारों को इन लोगों ने खूबसूरत खूबसूरती से सजाया हुआ है। चारों तरफ से बाउंड्री है और उसको बहुत ही अच्छे से डेकोरेट भी किया गया है। मजीद आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, इस तरह का जो कैलीग्राफी वगैरह है, पेंटिंग वगैरह है, इसको दिखा दीजिए। सामने में वहाँ भी कॉटेज बना हुआ है जिसमें लाइटिंग वगैरह है, आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। शाम रात में भी यहाँ पे भी कॉटेज बना हुआ है, उस तरफ लास्ट में भी कॉटेज है। यहाँ पे लाइट के अंदर में जो है कॉटेज में आप एंजॉय कर सकते हैं जबरदस्त। शाम रात में ये पूरा लाइट जलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। बात तो सही है। तो इस वक्त हम लोग पाम रिजॉर्ट को एंजॉय कर रहे हैं और ये सारी चीज आपको चंपारण में ही नया नया ओपन हुआ है। वहाँ पे फ्रंट में आप देख सकते हैं स्टेज बना हुआ है, उसको भी आप घूम सकते हैं वहाँ पे। यानी कि अगर इस स्टेज को आपको डेकोरेट करना है तो वहाँ पे भी रेडीमेड स्टेज को अपने हिसाब से डेकोरेट कर लीजिए और जो आपके गेस्ट वगैरह है बाहर में भी इस लॉन में बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यहाँ पे जब फाउंटेन वगैरह होता है या जब भी उस तरह का लाइटिंग वगैरह होता है तो शाम रात में जो है इसकी खूबसूरती भी आपको इजाफा मिल जाता है। महात्मा बुद्ध का स्टैचू है और यहाँ पे लाइटिंग वगैरह दिया हुआ है और फाउंटेन के लिए सब स्पेस है, यहाँ पे हो गया और उसी तरह से आगे में भी फाउंटेन का स्पेस है, वो भी है। फिलहाल हम लोग पाम रिजॉर्ट को एंजॉय कर रहे हैं और चंपारण में ये शानदार नया रिजॉर्ट वाकई लाजवाब है और बहुत ही मजा आएगा। जो यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, उन लोग को भी चाहिए कि यहाँ पे आके इसको एक्सप्लोर करें। भाई चंपारण की जो एक से बढ़कर एक शानदार रिजॉर्ट रेस्टोरेंट वगैरह है उसको आप एंजॉय करिए, मजा आएगा, आ जाइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये अब हम एंटर करते हैं, चलते हैं अंदर रिजॉर्ट में, आ जाइए। वेलकम टू पाम रिजॉर्ट फ्रेंड्स, ये है शानदार रिसेप्शन एरिया और यही है जहाँ पे सबसे पहला जो इंप्रेशन आपके ऊपर पड़ता है वो देखिए फ्रेंड्स, क्या ही शानदार झूमर वगैरह लगाया गया है और ये है इनका रिसेप्शन एरिया, इस तरह का डेकोरेशन किया गया है। फिनिशिंग वगैरह आप देख सकते हैं, जो सीलिंग वगैरह का जो फिनिशिंग है, जो ग्राउंड का जो फिनिशिंग है, जो मार्बल्स का इस्तेमाल किया गया है, ये वाकई में लाजवाब है।
जिस तरीके से वुडन फिनिशिंग वगैरह किया गया है, वुड का इस्तेमाल किया गया है। अब आते हैं फ्रेंड सबसे मार्वलिस जगह पे, जो एकदम बिल्कुल दिल को छू लेने वाला है। क्या बोला तूने? जी हाँ फ्रेंड, ऐसा लग रहा है मुगले आजम की याद आ जाएगी। वेलकम टू दिस शीश महल, क्या बात है, जबरदस्त। और हम तुम पर एक बार फिर मेहरबान हो सकते हैं। का शानदार वीआईपी सोफा वगैरह से इसको डेकोरेट कर दिया गया है। दोनों साइड पे आर्टिफिशियल ऑलरेडी जो है स्टेज बना हुआ है, जहां पे ब्राइड और ग्रूम जो है शादी को एंजॉय करेंगे। इस तरह का ट्रेडिशनल कुर्सी वगैरह भी है, जिसको आप जो है एंजॉय कर सकते हैं। और इस तरह की कुर्सियां जो है आज कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये है पाम वैली रिजॉर्ट का जबरदस्त स्टेज, और यहाँ पे बिल्कुल आपको महाराजा वाली फीलिंग आएगी। और ये अच्छा खासा जो है, ये अच्छा खासा स्टेज है। ये भी जो पूरा मैरिज हॉल है, ये सेंट्रली एयर कंडीशन है। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो वेंट वगैरह है, ये एसी का लगा हुआ है। चंपारण में कहीं नहीं देखने को मिलती है, लेकिन इस रिजॉर्ट में देखने को मिलती है। तो दैट्स तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग बता चुके हैं, इस वक्त मैं पाम वैली रिजॉर्ट में मौजूद हूं, और यहां पे इस रिजॉर्ट के मैनेजर मिस्टर राजीव पांडे खुद मौजूद हैं। वो मजीद जानकारी देंगे इसके बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वेलकम टू द शो मिस्टर राजीव पांडे जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्टूबर में इसकी ओपनिंग हुई थी, पाम वैली रिजॉर्ट ये होटल जो है, इसमें हम लोग अभी फिलहाल में हर तरह के इवेंट बुकिंग करते हैं। समझ रहे हो आप? जैसे रिसेप्शन, एंगेजमेंट, बर्थडे, एनिवर्सरी, वेडिंग। होटल की एक ही खासियत है, सर्विस और क्लीनिंग। ये दो ही चीज़ हम लोग काफ़ी मतलब अच्छी तरह से इस पर फोकस करते हैं, और काफ़ी इसके लिए हम लोग सीरियस भी हैं। वाओ। अच्छा पांडे जी, ये बताइए कि आपके रिजॉर्ट को बुक करने का क्या प्रोसेस है, और कितना चार्जेस आप जनरली आम दिनों में लेते हैं? तो वेडिंग का अलग रेट है। ठीक है फ्रेंड्स, शादी के लिए चार्जेस डिफरेंट है, बाकी उसके अलावा कोई और फंक्शन अगर आपका है तो उसका चार्जेस डिफरेंट है। जनरल डे में कोई भी अगर आते हैं, किसी भी तरह कोई फंक्शन यहाँ पे अगर करेंगे, तो उनका हम लोग चार्ज 1,51,000 हमने, वेडिंग के लिए 2,51,000 है, वो डिस्काउंटेबल है। पाम वैली रिजॉर्ट में हमको कौन कौन सी फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है? बैंक्वेट हॉल आप देख रहे हैं, ये अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट मोतिहारी में सबसे बड़ा है, 5,000 स्क्वायर फीट का है। लॉन एरिया है वो 30,000 स्क्वायर फीट का। में एक और स्पेशल है जो मोतिहारी के किसी भी होटल में नहीं दिया गया है, हमारा जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें हम 50 ग्राउंड बेड लगा के देते हैं। इसके अलावा आप हमें बता दीजिए कि जो है, अगर हमको शादी के लिए बुक हम करते हैं, तो उसके लिए एक दिन पहले या दो दिन पहले, या फिर पर्सनली आके आपसे मिलना पड़ेगा, या सिर्फ फोन पे ही हम आपसे कांटेक्ट करके इसको पाम वैली को बुक किया जा सकता है? दोनों तरह की फैसिलिटी है हमारे पास। अगर जैसे कोई दिल्ली है या बॉम्बे है या किसी मतलब आउट ऑफ मोतिहारी में अगर कोई गेस्ट हमारे रहते हैं, तो कॉल करके भी एडवांस बुकिंग कर सकते हैं, एडवांस अमाउंट ऑनलाइन पेमेंट करके भी कर सकते हैं। अगर यहाँ आके मिल के भी बुकिंग करना चाहे तो वो भी फैसिलिटी उन लोगों के पास है। और हम लोग डे नाइट गेस्ट का जब भी इवेंट होता है, डे नाइट हम लोग उनके साथ ही रहते हैं। और अपना एड्रेस हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए पांडे जी। पाम वैली रिसोर्ट मोतिहारी, बितिया रोड नियर टाटा मोटर, चंदी माता मंदिर के बगल में ही है। अच्छा, हमको सिखा रही है। ठीक है पांडे जी, हम लोग से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दुआ है कि भाई आपका रिसॉर्ट जो है खूब चले फूले, और यहाँ के जो लोग हैं उनको बेहतरीन से बेस्ट सर्विस आप जरूर प्रोवाइड कीजिए, बहुत ही खुशी की बात है। अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। तो आइए फ्रेंड्स, जल्दी से आपको कॉन्फ्रेंस रूम दिखाते हैं और यहाँ के रूम्स को दिखाते हैं, फिर हम लोग यहाँ से इनसे इजाजत लेके अलविदा कहेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं स्टेयर्स पे भी जो लाइटिंग वगैरह लगा है उसको आप नजरअंदाज ना करें, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फिलहाल हम लोग एंटर कर चुके हैं यहाँ के कॉन्फ्रेंस रूम, जैसा कि पांडे जी ने बताया था कि इसको भी आप एक बार जरूर देख के चलिए। ये देखिए फ्रेंड्स, स्पेशल सर्विस के लिए, वीआईपी के लिए अलग से लॉन वगैरह बना हुआ है, बहुत ही जबरदस्त है। और ये बहुत ही शानदार गैलरी है अभी जिसमें हम लोग घूम रहे हैं। आइए
चलिए। क्या बात है, जबरदस्त। चलिए वेलकम टू द कॉन्फ्रेंस हॉल। अजय तो देखिए फ्रेंड्स, ये है पाम बीच रिजॉर्ट का कॉन्फ्रेंस हॉल, जहाँ पे अच्छा खासा काफी स्पेसियस है और यहाँ से आप शहर का नजारा लीजिए। सही पकड़े हैं। ये पूरा स्पेस है जहाँ पे अगर कोई फंक्शन वगैरह लेना करना है, किसी तरह का मीटिंग वगैरह या कुछ भी कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह करना है, तो उसके लिए ये भी इंक्लूड है। आप बुक कर सकते हैं, कि सिर्फ एक बुकिंग में ये सारी चीजें आप बुक कर सकते हैं। पूरा प्रॉपर्टी को सिर्फ एक बुकिंग में आप बुक कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर पे आपके पास 5 रूम अवेलेबल है। ये फ्रेंड्स, आइए इसके रूम को दिखाता हूं, जैसा मैंने आपसे वादा किया था। लेट्स एक्सप्लोर दिस वंडरफुल रूम, स्वीट रूम, जहां पे इस तरह का 2 बेड वगैरह आपको मिल जाता है, अटैच बाथरूम मिलता है, और इस तरह का लाइफ साइज मिरर वगैरह है, सोफा सेट वगैरह है, टीवी है, पंखा है, एसी है, सारी चीज जबरदस्त। बहुत ही अच्छा इंतजाम किया आपने। पूरा शहर आप देख लीजिए, क्या बात है। यहाँ की सुबह और शाम का तो कुछ नहीं, क्या है, अलग से कोई चार्जेस नहीं देना है। जो शादी का आप बुक करते हैं, उसमें सारे कमरे वगैरह भी, पूरा कॉन्फ्रेंस रूम और ये सारा मैरिज हॉल, बकेट लॉन वगैरह सब जो है, बैंकेट हॉल जो है, सारी चीजें मिल जाती है। तो ये खासियत। चलिए पानी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। जो यूट्यूबर्स हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, वो लोग भी आइए, इसको एक्सप्लोर कीजिए। ये लोग बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं और आपको पूरा एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो जरूर आके यहाँ पे ब्लॉग व्लॉग बनाइए, मजा आ गया। शुक्रिया पांडे जी, इतनी खुशी, इतनी खुशी। इस तरह का फाउंटेन दिखेगा जब लाइटिंग में, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। पाम बीच इस तरह से वेलकम करता है और सामने में ही ये सारी चीज आपको देखने को मिल जाती है। ये है खासियत, बिल्कुल लेटेस्ट ओपन हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत एक्सक्लूसिव है ये पाम बीच रिजॉर्ट। So this is all about today's video, friends. Milte hain next video mein ek next topic ke sath. Till then, take care. Allah Hafiz. Ke baad mein.